वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल माई नेम इज भावना बिस्ट और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ए सी सी ई वी एस का चैप्टर नंबर टू हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर वन को कंप्लीट कर लिया है अगर आपको उस चैप्टर को समझना है तो आप देख लेना और मैंने आपके लिए ए सी सी ई वी एस की प्लेलिस्ट भी बना रखी है आप देख सकते हैं वहाँ से और जो हमारा ई वी एस का चैप्टर नंबर वन था उसकी मैंने दो पार्ट्स बनाए थे पार्ट वन एंड पार्ट टू क्योंकि चैप्टर थोड़े से लेंदी होते हैं तो इसलिए इसलिए मुझे दो पार्ट्स बनाने की ज़रूरत है आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर टू से चैप्टर नंबर टू का नाम है इको इसमें हम समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इको इस चैप्टर में आज मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज इको सिस्टम एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इको सो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इको तो यहाँ पे आपको इको के बारे में बताया गया कि इको की डेफिनेशन क्या है इको क्या होता है फर्स्टली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इको सो इको सिस्टम इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द इन्वायरमेंट फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि इको सिस्टम एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे इन्वायमेंट का यानि कि इको सिस्टम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमारे इन्वामेंट में बहुत से फंक्शंस को परफॉर्म करता है बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ नेचर व्हेन इंटरेक्ट विद ईच अदर टू स्टेब्लिश अ स्टेबल लिविंग कम्युनिटी इट इज कॉल्ड इकोसिस्टम तो अब आपको पता है कि हमारे इन्वामेंट में बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक दोनों ही चीज़ें होती हैं बायोटिक होता है लिविंग बींग्स अबायोटिक होता है नॉन लिविंग बींग्स तो जब अब देखो हम लोग सो so, हमको पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में लिविंग बिंग्स भी होती है नॉन लिविंग भी होती है लिविंग बिंग्स में आ जाता है ह्यूमन बींग्स एनिमल्स एंड प्लांट्स नॉन लिविंग में क्या आता है एयर वाटर विंड ठीक है जो मतलब ये सारी चीज़ें हैं ये सब क्या है नॉन लिविंग और हमारा जो इन्वामेंट होता है उसमें लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग बींग इन दोनों का आपस में आपस में इंटरेक्शन ज़रूर होता है सो so, ये जो इंटरेक्शन होता है तो जब वो अपने लिए स्टेबल अपने लिए स्टेबल कम्युनिटी स्टेबल इन्वायमेंट को जब वो क्रिएट कर लेते हैं तो उनको बोलते हैं इको सिस्टम इको सिस्टम से आपको ये समझना है कि एक ऐसा सिस्टम इसकी डेफिनेशन अभी आपको सेकंड यहाँ पे है गिवन यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है इको सिस्टम का तो जब लिविंग एंड नॉन लिविंग बीग्स जो हमारे होते हैं नेचर में जब वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं और अपने लिए वो एक स्टेबल कम्युनिटी बनाते हैं तो उसको बोला जाता है इकोसिस्टम डेट मीन्स देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट एक्सचेंज ऑफ सम थिंग बिटवीन दीज लिविंग एंड नॉन लिविंग इज कॉल्ड इको सिस्टम देखो अब जैसे अब मानो कोई भी चीज़ होती है जब वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं जैसे कि आप और मैं हों से हम आपस में मानो कि इंटरेक्शन करते हैं आप अपने फ्रेंड से इंटरेक्ट करते हो तो हमारे बीच में कोई चीज़ एक्सचेंज होती है एक्सचेंज वो कोई एक्सचेंज वो गुड्स एंड सर्विसेस भी हो सकती है एक्सचेंज वो फीलिंग्स भी हो सकती है इमोशंस भी हो सकते हैं कम्युनिकेशन का एक्सचेंज हो सकता है सो so मतलब ऑल दीज आर द एक्सचेंज तो जब कोई दो चीज़ें आपस में इंटरेक्ट करती है तो ऑब्वियसली उनके बीच में एक्सचेंज होता है किसी भी चीज़ का ठीक है तो उसको बोलते हैं इको सिस्टम विदाउट द लिविंग कॉम्पोनेंट स्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इको सिस्टम इज नॉट पॉसिबल एंड वाइस वर्सा तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब तक हमारे पास लिविंग कॉम्पोनेंट नहीं है तब तक हम इकोसिस्टम की कल्पना भी नहीं कर सकते इकोसिस्टम पॉसिबल ही नहीं है ठीक है इकोसिस्टम में हमको नॉन लिविंग एंड लिविंग दोनों की ज़रूरत पड़ती है इन दोनों के ही इंटरेक्शन से जो हमारा स्टेबल इन्वामेंट बनता है उसको बोला जाता है इको देखो एग्जाम्पल से समझो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको जैसे कि हमारा जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं अब हम लोग इंटरेक्ट करते हैं नॉन लिविंग बींग्स से जैसे कि वाटर हो गया एयर हो गया तो मतलब हमको उनकी जरूरत है और हम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं ठीक है बोथ आर साइड्स ऑफ अ कॉइन और वेरी मच कॉम्पलीमेंट्री टू ईच अदर द स्टडी ऑफ इको सिस्टम इंक्लूड्स कम्पलीट एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर रेगुलेशन एंड रोल ऑफ ईच एंड एवरी कम्पोनेंट फंक्शनिंग देयर वंस वी नो नो इट इन डिटेल द स्टडी ऑफ द इको सिस्टम एज इट्स इंपॉर्टेंस टू द टूबियम ऑफ इन्वॉर्मेंट विल बी अंडरस्टूड ईजिली सो so, यहाँ पे तक कंसेप्ट क्या है आप अच्छे से समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा डेफिनेशन को सो लेट्स मूव टू इट्स डेफिनेशन देखते हैं डेफिनेशन क्या बोलती है द स्टडी ऑफ ऑल द फिजिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबेंडेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म द इंटरेक्शन इन बिटवीन दैम विदराउंडिंगल्ड इको सिस्टम सो इसमें भी वही बताया हुआ है कि जो इंटरेक्शन होता है नॉन लिविंग एज वेल एज लिविंग बींग्स का उसको बोला जाता है इकोसिस्टम आप डेफिनेशन को याद कर सकते हैं इन सिंपलर वर्ड्स इफ़ एनी इन्वायरमेंटल चेंजेस अकर इन द फिजिकल और अबायोटिक फैक्टर दे इन टर्न चेंज द टाइप एंड नंबर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट इन बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दर पर्टिकुलर एरिया तो यहाँ पे लिखा है कि जैसे मानो कि कोई भी इन्वायमेंटल चेंज हुआ ठीक है तो वहाँ पे जितने भी अबायोटिक फैक्टर्स हैं उनके ऊपर उस चीज का फर्क पड़ेगा ठीक है उस चीज़ का फर्क जरूर पड़ेगा वहाँ पे जो भी प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं उस पर्टिकुलर एरिया के द इको सिस्टम इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर एंड ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ इको सिस्टम ऑल्सो सो ह्यूमन बींग्स है जो इको सिस्टम वो इको सिस्टम के पार्ट हैं क्योंकि जो इको सिस्टम है वो विदाउट लिविंग बींग्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट ह्यूमन बींग्स द थीम ऑफ द इको सिस्टम इज एनर्जी फ्लो सस्टेनेंस ऑफ इको सिस्टम इज पॉसिबल ड्यू टू द एनर्जी डिपेंडेंस एज वेल एज एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इको सिस्टम मे इट बी लिविंग और नॉन लिविंग तो ये हमको पता ही है एग्जाम्पल गिवन है आपको इकोसिस्टम के टेरेस्ट्रियल और लैंड बेस्ड इको सिस्टम एकवेटिक और वाटर बेस्ड इको सिस्टम तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं इको सिस्टम्स के लाइक like, हमको पता है टेरेस्ट्रियल होते हैं जो लैंड पे चलते हैं तो वो हो गया लैंड बेस्ड इको सिस्टम होते हैं जो पानी में होते हैं वाटर बेस्ड इकोसिस्टम फिर हम समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इको सिस्टम को तो इस स्ट्रक्चर से आप ईजीली समझ पाओगे स्ट्रक्चर को ये है इकोसिस्टम ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर को इको सिस्टम है इको सिस्टम में दो चीज़ें क्या होती है दो कौन से कंपोनेंट होते हैं जिससे हमारा इकोसिस्टम बनता है तो हमारा इको सिस्टम बनता है बायोटिक से एंड अबायोटिक से हमको पता है कि बायोटिक क्या होते हैं बायोटिक होते हैं ऑल द लिविंग बींग्स यानी कि ह्यूमन बींग्स एनिमल्स एंड प्लांट्स आबायोटिक क्या होते हैं लाइक लाइट है वाटर like, है एयर है, है तो ऑल दिज आर द अबायोटिक थिंग यानी कि जिसके अंदर जान नहीं है जिसके अंदर कोई लिविंग चीज नहीं है ठीक है तो ये है इसका बेसिक फिर है इन इसके भी वो के पार्ट्स अब बायोटिक में है प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स डिकम्पोजर्स। फिर अब बायोटिक में ये सब आ जाते हैं लाइट टेम्परेचर वाटर सॉइल सो एक बेसिक स्ट्रक्चर है आप इसको देख सकते हो आपको अच्छे से याद हो जाएगा फिर हम मूव अब यहाँ पे जो आपको ये ऊपर एक्सप्लेनेशन दी हुई है ना सॉरी स्ट्रक्चर दिया हुआ है फ्लो ये प्रोड्यूसर क्या है कंज्यूमर कौन है डीकम्पोजर कौन है इसको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं फर्स्टली हम पढ़ेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स को तो उसके अंदर हम इन तीनों को पढ़ने वाले हैं फिर हम पढ़ेंगे अबायोटिक जिसके अंदर हम इन सब को पढ़ेंगे सो so, फर्स्ट है हमारा बायोटिक देखते हैं बायोटिक क्या है बायोटिक कंपोनेंट्स आर आल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज बेसिंग अपॉन देयर फूड फैड रिलेशनशिप्स बायोटिक कंपोनेंट्स के भी थ्री कैटेगरीज हैं फर्स्ट कैटेगरी इज प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स आर द ऑटोट्रॉफ्स अब प्रोड्यूसर यहाँ पे वो प्रोड्यूसर नहीं है जो हमारे ये फिल्म इंडस्ट्रीज में होते हैं नो प्रोड्यूसर्स आर द ऑटोट्रॉफ्स ऑटो मतलब क्या होता है सेल्फ ट्रॉफ्स मींस नरिश ऑफ द इकोसिस्टम तो प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो खुद अभी हम आगे स्टडी करेंगे दे आर द ग्रीन प्लांट्स एंड ग्रीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हु कैन मेक देयर ओन फूड मेटेरियल बाई यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन डैम प्रोड्यूसर्स देखो वो होते हैं जो किसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे मेनली हमने बात की ग्रीन प्लांट्स की हम नेचर की बात कर रहे हैं तो हम प्लांट्स की बात करेंगे So, पे, अब जो हमको पता है जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं अब हमारा खाना जो होता है वो प्रोड्यूस होता है ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग खाते हैं हम लोग रोटी खाते हैं तो रोटी से पहले जो वो होता है गेहूँ उसकी मतलब खेती होती है फिर वो पिस्ता है तो मतलब बहुत ज्यादा प्रोसेस से हमारे पास खाना आता है लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं ठीक है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस हर बच्चे बच्चे को पता होता है मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है फोटोसिंथेसिस जो होता है वो हमारे प्लांट्स करते हैं तो इसलिए ही फोटोसिंथेसिस में ये होता है कि वो अपना जो उनका फूड होता है उसको प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड सनलाइट और क्लोरोफिल जो जो हमारे प्लांट्स में ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से होता है आपका क्लोरोफिल एक टाइप का केमिकल होता है जो हमारे प्लांट्स में होता है प्रेजेंट और उसकी वजह से हमारे प्लांट्स जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा ग्रीन ग्रीन दिखते हैं तो ये था प्रोड्यूसर्स आपको समझ में आ गया प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं दे आर द ग्रीन प्लांट्स ग्रीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हु कैन मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एटसेट्रा एग्जांपल गिवन है ऑल ग्रीन प्लांट्स एलगे एंड सियनो बैक्टीरिया दिस इज अ न्यू वर्ड बट ग्रीन प्लांट्स एल्गी हमको पता है ओके okay? सो so ये इसके एग्जाम्पल्स हैं नेक्स्ट है कंज्यूमर consumer. अब कंज्यूमर से पता लग रहा है जो किसी चीज को कंज्यूम करे ऊपर था प्रोड्यूसर जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते थे अब देखेंगे ये क्या है और आपके प्रोड्यूसर क्या आते हैं ऑटो ट्रॉफ ऑटो मतलब होता है सेल्फ ट्रॉफ का मतलब होता है नरिश कंज्यूमर्स आर दोट्रॉफ हेट्रो मीनस नॉट सेल्फ ऊपर क्या था सेल्फ यहाँ क्या है नॉट सेल्फ ट्रॉफ का दरिश है ऑफ एन इको सिस्टम द डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर ऑफ द नेचर टू गेट एनर्जी कंज्यूमर्स आर ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स काइंड अब कंज्यूमर जो होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर दे आर द हर्बी वॉर्स हु ईट डायरेक्टली द ऑटोट्रॉप प्लाट्स दे कैन नॉट इट एनी एनिमल्स अभी हरबी वॉरस हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अपने जूनियर क्लासेस में तो हरबी वॉर्स देखो क्या होता है हर वॉरस वो होते हैं वो एनीमल्स होते हैं जो सिर्फ एनिमल्स एनिमल्स बोल लो बर्ड्स बोलो, बोलो जितने लिविंग वो हैं हर वॉरस वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं जो नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते यानी कि वो किसी एनिमल को नहीं खाते तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या हुआ आपका हरबी वॉरस उसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं काओ ओके कंज्यूमर्स दे डायरेक्टली ईट द प्रोड्यूसर ऑफ द इकोसिस्टम दैट इज द प्लांट दे कैन ईट ओनली हर्बी अब ये लोग जो होते हैं ये डायरेक्टली नहीं खाते हैं प्रोड्यूसर्स को प्रोड्यूसर्स कौन थे हमारे जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं ग्रीन ऑर्गेनिज्म होते हैं ये लोग खाते हैं जो मतलब अब ये लोग प्लांट्स को, अब ये जो होती है सेकेंडरी कंज्यूमर ये लोग प्लांट्स नहीं खाते हैं ये लोग खाते हैं हरबी को इसके एग्जांपल्स क्या हैं? फ्रॉग है जैकल है स्नेक्स है नेक्स्ट वी हैव टर्शरी कंज्यूमर दे आर कार्नीस इन नेचर मीन्स दे आर द मीट ईटर्स ये लोग कार्नीवॉर्स होते हैं एंड ये क्या खाते हैं मीट खाते हैं दे डिपेंड ऑन द सेकेंडरी कंज्यूमर फॉर देयर गुड्स और ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी कि जो भी हमने ऊपर रीड किया ये फ्रॉग जैकल एंड स्नैक्स ये इन पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए दे आर द टॉप लेवल कॉर्नीवर्स एग्जाम्पल टाइगर लॉइन वल्चर काइट सो so, ये आपने देखा कि एक तरह की फूड चैन चल रही है जो हमने फूड चैन रीड करी है लाइक like प्राइम जो हमारा प्राइमरी है वो हर्बी वॉरस है उसके बाद जो सेकेंडरी है वो हर्बी वॉरस को खा रहा है जो टर्शरी है वो कार्नी वॉरस को खा रहा है नेक्स्ट वी हैव डीकम्पोजर्स सो हमने अभी मैंने आपको जो ऊपर बताया था बायोटिक वाला तो बायोटिक में हम लोगों ने स्टडी कर लिया है प्रोड्यूसर नेक्स्ट वी हैव डीकम्पोजर्स डी कम्पोजर्स आर ऑल्सो टू सम एक्सटेंड हैड हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर ये भी हेट्रोट्रॉफिक होते हैं नेचर में हेट्रोट्राफिक का मतलब क्या था ऊपर हमने रीड किया था कि जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं डेट डो नॉट कंटेन क्लोरोफिल इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है एंड क्लोरोफिल क्या होता है वो मैं आपको ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ सो डिपेंड ऑन अदर मटेरियल फॉर फूड एंड एनर्जी सो ये डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड एंड एनर्जी के लिए क्योंकि ये खुद तो अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं दिज ऑर्गेनिजनिज़्म कैन ग्रो ऑन द डेड एंड डी के मैटरियल ऑफ द इनवामेंट ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं डीकम्पोजर्स ये मरे हुए और खराब चीजों पर ही अपना जन्म लेते हैं यानी कि ये उस चीज़ पर ग्रो होते हैं डेट इज़ वाई दे आर नॉन एज द डीकम्पोजर्स और सेफ्रोफाइट और स्कैंजर्स ऑफ द नेचर देखो डीकम्पोजर जितनी भी हमारी बैक्टीरिया होती है फंगी होती है अर्थ वॉम होती है तो ये होते हैं हमारे डीकम्पोजर्स ठीक है और दे कैन बी कॉल्ड एज अ डिट्री वायर्स डेटरी मीन्स डेट पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मटेरियल दे कैन लिव इन एनी टाइप ऑफ सॉइल विध ऑर्गेनिक वेस्ट ये बहुत ज्यादा गंदगी में रहते हैं जैसे हम लेकर जो अर्थ वार्म होते हैं केचुएं जो होते हैं वो कैसे जमीन में से निकलते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी होती है दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द कंप्लीशन ऑफ द बायोजिओ केमिकल द इन्मेंट इसके एग्जाम्पल क्या है बैक्टीरिया है फंगी है तो डिकम्पोजिट so, क्या होता है हम लोगों ने रीड कर लिया है अब यहाँ पे आपको एक टेबल गिवेन है उसको भी समझ लो टाइप्स ऑफ इको सिस्टम ग्रास लैंड इको फॉरेस्ट इकोसिस्टम डेजर्ट इकोसिस्टम तो आपके तीन टाइप्स के इको होते हैं एंड कंज्यूमर हमने अभी ऊपर रीड किया था प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। सो प्राइमरी में क्या क्या रीड किया था हमने जो ऑटो होते हैं लाइक ग्रास होपर रेबिट डियर शीप गोट एटसेट्रा एंड का फॉक्स रेटल एक्सेट्रा फिर यहाँ पे टाइगर लाइन ये सब इस टेबल को आप देख लो फिर और यहाँ पे हम लोगों ने इको सिस्टम को स्टडी कर लिया है यहाँ पे यहाँ पे आपको बताया हुआ रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर तो उसको आप देख लेना फिर हमने हमने कंप्लीट किया बायोटिक के साथ अब हमारा नेक्स्ट क्या है अबायोटिक अबायोटिक हमको पता है कि अबायोटिक क्या होती है नॉन लिविंग ये मैं आपको सब बता चुकी हूँ चैप्टर नंबर वन में कोई बात नहीं यहाँ पे यह बता देती हूँ नॉन लिविंग विंग्स होती है बायोटिक क्या था लिविंग विंग्स दीज आर द नॉन लिविंग फैक्टर इन फॉर्म ऑफ सॉइल लिक्विड गैस फाउंड इन द नेचर फॉर एग्जाम्पल आइस वाटर मॉइस्चर सो ये चीजें क्या होती है नॉन लिविंग जिनमें कोई जान नहीं होती फॉर एग्जाम्पल आइस हो गया वाटर हो गया एयर हो गया दे कैन बी कैटेगराइज इन टू टू टाइप इनके भी दो टाइप है क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड एडिफिक और क्या क्या होते हैं स्नो है ये हो गया क्लाइमेटिक फैक्टर्स अब एडिफिक फैक्टर्स क्या है सॉइल जो चीजें मिट्टी से होती है मिट्टी में होती है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल सब स्ट्रेटम सो ये दो तरीके के टाइप्स हैं जिनको आपको समझना है मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पे हम डिटेल स्टडी करेंगे क्लाइमेट फैक्टर्स की लाइट फर्स्ट क्या है आपका लाइट इट इज एन एजेंशियल फैक्टर फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर एज वेल एज डीकम्पोजर जो लाइट एक बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट एंड एजेंशियल फैक्टर है फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोड्यूसर्स हो गया कंज्यूमर हो एंड एंडम्पोजर हो इन प्रेजेंस ऑफ द सन लाइट प्लाट्स आर एबल टू प्रिपेयर द फूड मैटील क्योंकि देखो सनलाइट के प्रेजेंस में ही वो लोग अपना फूड मेटीरियल को अच्छे से बना पाते हैं विच इज टर्न बाय द बाई एंड अल्टीमेटली बाय डीकम्पोजर अब प्रोड्यूस करता है हमारा प्रोड्यूसर्स जो होते हैं ग्रीन प्लांट्स और उनको फिर जो खाते हैं वो हैट्रोट्रॉप होते हैं एंडम्पोजेस होते हैं विदाउट सन लाइट फोटो सिंथेसिस इज नॉट पॉसिबल दस इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर ऑफ एन इको सिस्टम यहाँ बताया गया कि जो सन लाइट है सनलाइट के बिना फोटोसिथेसिस का जो प्रोसेस है आ प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड वो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है वो इनकम्प्लीट है और वो हो ही नहीं सकता है विदाउट सनलाइट तो आप समझ सकते हो कि सनलाइट इज़ अ वेरी इज अ वेरी इजेंशियल फैक्टर फॉर ऑल द लिविंग टू मेक देयर फूड इट इज वन ऑफ द हाई हो गया क्वान्टिटी एज वेल एज क्वालिटी ऑफ लाइट हैज़ डिफरेंट डिफरेंट ऑन ऑर्गेनिज्म लेट्स डिस्कस डिस्कस अब हम discuss करेंगे लाइट्स के क्वालिटी एंड कंटेंट का इम्पैक्ट है फर्स्ट वी हैव importance of lights for plants first a chlorophyll production importance of light for plants first we have chlorophyll production देखो अब light क्यों जरूरी है क्योंकि जो plants होते हैं उनमें जो chlorophyll present होता है उसको भी तो हमको हमको उनसे प्लांट्स को प्रोड्यूस करना पड़ता है जो कि सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में ही हो पाता है प्रोड्यूस नेक्स्ट वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स द वेजिटेशन ऑफ द टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रो ऑन द अर्थ डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सनलाइट दे आर गेटिंग द वेजिटेशन ऑफ टेम्परेट ट्रॉपिकल एज वेल एज टुंड्रा रीजन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर अब यहाँ पे देखो ये बताया हुआ है कि जो वेजिटेशंस होती है एंड जो प्लांट्स होते हैं हमारे अर्थ पे वो हर एरिया के अलग अलग होते हैं क्यों अलग अलग होते हैं क्योंकि वो डिपेंड करता है कि उनको सनलाइट कैसे मिल रही है जैसे आप अपने आ, आप अपने घर का एग्जांपल देख लो जैसे कई बार होता है कि गर्मियों में हमारे को प्लांट होता है तो उसको जब कुछ ज्यादा ही सनलाइट मिल जाती है तो वो वो बहुत ज़्यादा मुरझा जाता है वहीं पे अगर उसको बिल्कुल मॉडरेट सी बिल्कुल ठीक ठाक मीडियम उसको सनलाइट मिल रही है तो वो इतना खराब नहीं होता वो बिल्कुल हेल्दी रहता है तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो वेजिटेशन होती है टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं अर्थ पे जितने भी ग्रो होते हैं वो अलग अलग होते हैं और वो मतलब बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं सनलाइट पे दस द वेजिटेशन ऑफ टेम्परेट ट्रॉपिकल टेम्परेजन डिफरेंट हाँ तो इसलिए डिफरेंट होते हैं क्योंकि सनलाइट जो है वो हर एरिया में एक जैसी एक अमाउंट की नहीं मिल पाती है नेक्स्ट वी हैव लाइट दस डिजाइड द फिजियोलॉजी ऑफ द प्लांट्स और डिफरेंट रीजन तो so सनलाइट जो है वो हमारे प्लांट्स की बहुत सारे एरिया में डिसाइड करती है फिजियोलॉजी नेक्स्ट वी हैव टेम्परेचर सो यहाँ आपको इंपॉर्टेंस बताई हुई है आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे टेम्परेचर है फिस्टोमेंटल मूवमेंट है ड्यूरेशन ऑफ लाइट है समझ में अगर नहीं आएगा तो मुझे बता देना बाकी यहाँ आपको सिर्फ इंपॉर्टेंस ही बताई हुई है फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट्स फॉर एनिमल्स एनिमल्स के लिए क्यों ज़रूरी है उनके लिए जैसे कि उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको कंट्रोल करने के लिए एंड जो, जो उनका विज़न होता है चुन देखो तो 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 हम लोग विदाउट लाइट कोचिज़ देख नहीं पाते जब हमारे पास रोशनी होती है तभी हम कोचिज़ को देख पाते हैं हम वैसे नहीं देख पाते हैं फिर फिर है पिगमेंटेशन देन रिप्रोडक्शन तो आप उनको रीड कर लेना यहाँ पे आपको आप उसे इम्पोर्टेंस बताई हुई है जो टॉपिक समझाने के हैं मैं आपको उसे वही समझाती हूँ फिर है इम्पॉर्टेंस ऑफ टेम्परेचर ये भी वही टॉपिक है इसको भी आप रीड कर लेना अब यहाँ पे देखो एक टॉपिक वॉर्म ब्लड एनिमल्स मेंटेन्स देयर बॉडी टेम्परेचर एट अ कॉन्स्टेंट लेवल अब कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनका जो खून होता है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है देयर बॉडी टेम्परेचर डज नॉट एक्स देर बॉडी टेम्परेचर डज नॉट चेंज विद द दिनमेंट टेम्परेचर एग्जाम्पल मैमल्स बर्ड्स एटसेट्रा तो so, यहाँ पे बताया हुआ है कि जो एनिमल्स जिनके वार्म ब्लड होता है वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं कांस्टेंट लेवल पे एंड देयर बॉडी टेम्परेचर डज नॉट चेंज विद द इन्वामेंट टेम्परेचर उनका बॉडी टेम्परेचर ऐसा नहीं कि अगर इन्वायमेंट में चेंज हुआ तो वो भी चेंज हो जाएगा द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हेन चेंजेस विद द टेम्परेचर ऑफ द इनवायमेंट देन दे आर कॉल्ड अ कोल्ड ब्लडेड अब कोल्ड ब्लडेड जैसे कि ऐसे हम हैं हम लोग वो तो मैमल्स है ना तो हमारा जो खून होता है जैसे कि हम बोलते हैं हमारा खून गर्म होता है ठीक है तो अब हमारा सर्दियों का सीज़न आता है जब विंटर का सीज़न आता है तो क्या हमारा खून गर्म हो क्या हमारा खून ठंडा हो जाता है क्योंकि मौसम ठंडा है तो नहीं होता ना हमारा खून तो वैसा ही रहता है तो वैसे जितने भी मैमल्स होते हैं जितने भी बर्ड्स होती हैं उनका खून वॉम रहता है और जो फ्रॉग होता है उसका जो खून होता है वो कोल्ड ब्लडेड होता है यानी कि उसका जैसे 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 हमारा टेम्परेचर में चेंज होता है उसका भी जो ब्लड होता है वो चेंज हो जाता है ठीक है तो इसको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स तो ये था इम्पोर्टेंट मैंने आपको मैंने बता दिया फिर यहाँ पे है वाटर वाटर हमको पता है वाटर क्या है वाटर क्यों ज़रूरी है तो यहाँ पे आपको उसे इम्पोर्टेंस बताई हुई है वाटर की एग्जाम्पल भी आप देख लेना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड थोड़ा सा समझाने वाला कंसेप्ट है एडिफिक फैक्टर्स फर्स्ट वी हैव सॉयल सॉइल इज नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर द प्लांट्स टू ग्रो देखो जो प्लांट्स होते हैं ट्रीज होते हैं वो सारे के सारे सॉइल से अटैच होते हैं ठीक है सॉइल के बिना हमारा कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर, कर पाता एंड एनिमल्स टू डल इन टू इट दस फर्टिलिटी एंड द क्वान्टी ऑफ डिसाइड्स टाइप ऑफ़ वेजिटेशन इन दैट एरिया अब जैसे कि आप लोगों ने सुना ना कि ब्लैक सॉइल में ये चीज़ अच्छे से उग पाती है रेड सॉइल में ये चीज़ अच्छे से उग पाती है तो जो ये टाइप्स होते हैं सॉइल के ये डिसाइड करते हैं कि कैसे उस चीज़ की वेजिटेशन हो पाती है जैसे कि हमको पता है कि किसी भी चीज़ की खेती मानो ब्लैक सॉइल में अच्छी होती है तो वो उसी में अच्छी होगी अगर वहीं पे आप उसको रेड सॉइल में कर दोगे या फिर आप किसी ग्रे सॉइल में कर दोगे तो वो अच्छी नहीं हो पाएगी टू बी मोर स्पेसिफिक पी एच ऑफ द सॉइल इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर इफ पी एच ऑफ द सॉइल इज लेस देन सेवन देन इट इज एसिडिक सॉइल एंड इफ पी एच इज मोर देन सेवन इट इज़ एल्के तो पीएच वैल्यू अगर इसकी Soil की पीएच वैल्यू अगर सेवन से कम है तो ये एसिडिक एसिडिकॉयल है एंड अगर सेवन से ज्यादा है तो एल्केलिन है Does the acidity and द एसिडिटी एंड and ऑफ to stay एनिमल्स टू स्टे ओवर देयर बट neutral soil। देखो न्यूट्रल कब होगा जब वो सेवन की इक्वल होगी थोड़ी सी वेन द पी एच रेंजिस फ्राम सिक्स पॉइंट फाइव टू से प्रेफर्ड कंडीशन फॉर द मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जो हमारे सॉइल की जो हमारी क्वालिटी है वो ना ही एसिडिटी होनी चाहिए और ना ही एल्कि एसिडिटी का मतलब क्या है सॉरी एसिडिटी का मतलब क्या है कि जो आपका सॉइल का पी एच वैल्यू है जो वो आई थिंक फिर देखते हैं क्या था ऊपर मोर था या लेस था पी एच ऑफ सॉइल इज़ लेस देन हाँ अगर आपका जो सॉइल का जो पी एच लेवल है अगर वो सेवन से कम है अगर वो सेवन से कम है तो मतलब आपकी सॉइल क्या हो जाएगी एसिडिटी अगर आपकी सेवन से ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगी एल्केनिलिटी तो बोलते हैं कि हमको बिल्कुल न्यूट्रल सॉइल चाहिए होती है अच्छी वेजिटेशन करने के लिए अच्छी खेती करने के लिए और जिसकी रेंज क्या है सिक्स पॉइंट फाइव से सेवन पॉइंट फाइव दे तो 6.5 से लेके 7.5 तक की जो सॉइल की रेंज होती है पीएच वैल्यू होती है वो काफी अच्छी रहती है अच्छे से हमको वेजिटेशन करने के लिए so, पता है सॉइल के बारे में नेक्स्ट भी है इकोलॉजिकल पिरामिड अब हम इकोलॉजिकल पिरामिड को समझेंगे बाय नाउ वी आर क्लियर डेट द इको सिस्टम कैन सस्टेन इट सेल्फ इफ़ देर इज अ बैलेंस बिटवीन द प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड द डीकम्पोजर एनर्जी इज़ अ मेजर लिंक विच बाई ऑल दफ कंपोनेंट इन अ इको सिस्टम अभी तो हमने ये पढ़ा कि इकोसिस्टम में क्या क्या, क्या फैक्टर्स होते हैं और जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर डीकम्पोजर होते हैं वो आपस में कैसे इंटरेक्ट <coughs> करते हैं एंड एनर्जी कितना मेजर लिंक उनके बीच में है जो उनको एक साथ इको सिस्टम में बांध के रखता है दस देयर इज अ फिक्स पोजिशन और लेवल ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इको सिस्टम अब हमारे इको सिस्टम में एक फिक्स पोजिशन है जिसको भी हम रीड करेंगे हाउ कैन वी नो और डिसाइड दैट पोजिशन टू एक्सप्लेन इट अ ग्राफिकल स्ट्रक्चर हैज़ बीन प्रपोज बाई एनवायरमेंटल बायोलॉजिस्ट नोन एज पिरामिड और इकोलॉजिकल पिरामिड सो so, यहाँ पे पोजीशन बताई हुई है हमारी इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो हमने रीड किया था ना अभी हर्बी वॉर्स कार्नीवॉर्स प्रोड्यूसर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आप ध्यान से देखेंगे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट लेवल पे कौन आता है प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं नेक्स्ट वी हैव हर्बी वॉरस और प्राइमरी कंज्यूमर्स जो इन प्लांट्स को खाते हैं लाइक like, अब प्लांट्स कौन खाता है वही खाता ना जैसे कि रेबिट हो गया यानी ग्रास होपर दिखा रखा है आपको और जो गोट होती है शीप होती है काव होती है बफेलो होती है सो ये होते हैं हरबी वॉरस फर्स्ट लेवल कार्विवर क्या होते हैं हमारे ये स्नेक हो गया ये ठीक है स्नेक हो गया मुझे सेक ही देख रहा है बाकी पता नहीं क्या बना रखा है जैसे कि स्नेक जो होता है वो स्नेक ग्रास होपर को खा जाता है वो चूहे को खा जाता है ठीक है फिर सेकेंड लेवल का कार्नी में उल्लू दिखाया हुआ है यहाँ पे लायन आएगा टाइगर आएगा सेकंड लेवल पे ठीक है सो so ये था इकोलॉजिकल पिरामिड ये इसमें लिखा ना पिरामिड तो पिरामिड जो ये शेप होती है ना इसको बोलते हैं पिरामिड इकोलॉजिकल ये जो चीजें आपको बताई हुई हैं ये सब क्या है इकोलॉजिकल ओके okay? फिर डेफिनेशन गिवन है रीड कर लेते हैं क्या है <laughs> डेफिनेशन एंड इकोलॉजिकल पिरामिड इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेरियस ट्रॉफिक ऑफ द ऑर्गेनिजम इन अ फूड चेन सो समझ में आ गया आपको कि वॉट इज द इकोलॉजिकल पिरामिड इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल पिरामिड इज द टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन विच शोज अज द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ट्रॉफिक ऑर्गेनिजम इन अ फूड चेन अब यहाँ पे हम लोग ने ये समझ लिया कि डेफिनेशन क्या है इकोलॉजिकल पिरामिड की अब हम समझेंगे कि इसको डिज़ाइन किसने किया था इट वॉज डिज़ाइन बाय चार्ल्स एल्टोन एंड आर कॉल्ड एल्टोनियन पिरामिड और फूड पिरामिड तो इसको डिज़ाइन किया था चार्ल्स एल्टोन ने और उन्होंने और इसको हम बोलते हैं एल्टोनियन पिरामिड और फूड पिरामिड तो इसको आप लोग इकोलॉजिकल पिरामिड भी बोल सकते हैं फूड पिरामिड्स भी बोल सकते हैं एंड इल्टोनियन पिरामिड इल्टोनियन क्यों बोलेंगे क्योंकि चार्ल्स ने इसको बनाया था यानी कि चार्ल्स इल्टोन ने इसको बनाया था इसको डिजाइन किया था सो दट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज बाई हिज नेम इकोलॉजिकल पिरामिड्स की भी अब तीन टाइप्स है फर्स्ट इज पिरामिड ऑफ नंबर पिरामिड ऑफ बायोमास पिरामिड ऑफ एनर्जी सो इसको आप रीड कर लेना इसमें को समझाने की इतनी चीज़ें हैं नहीं बस एनिमल्स के बारे में बताया हुआ है आपको बट समझ जरूर लेना एंड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं आपको शेयर कर दूँगी फिर आप उस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं और प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं वीडियो को और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप चैनल को भी शेयर करें सेकेंड चैप्टर हमारा कंप्लीट होने वाला है यहाँ से टॉपिक हमारा मेन है इकोलॉजिकल सक्सेशन इकोलॉजिकल सक्सेशन टर्म वॉज कॉइन बाय हल्ट इकोलॉजिकल सक्सेशन की जो टर्म थी वो हल्ट ने दी थी 1885 में फेमस इकोलॉजिस्ट क्लेमेंट डिफाइंड इकोलॉजिकल सक्सेशन एस नेचुरल प्रोसेस बाय विच द सेम लोकेलिटी बिकम्स सक्सेसिवलीफर कम्युनिटीज ऑफ प्लांट देखो सक्सेशन क्या होता है किस चीज को बोलते ना सक्सेसर तो मतलब जो हमारा आगे का रूल करने वाला है वो चीज तो एक फेमस इकोलॉजिस्ट है क्लेमन उन्होंने क्या कहा था उन्होंने उन्होंने बोला कि एक इकोलॉजिकल सक्सेशन इज अ काइंड ऑफ अ नेचुरल प्रोसेस इन विच द सेम लोकेलिटी एंड ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकेलिटी बिकम्स सक्सेसिवली कॉलोनाइज बाई डिफरेंट ग्रुप्स और कम्युनिटीज ऑफ प्लांट्स सो एक तरीके से मतलब जितने भी एक कोई सेम लोकेलिटी है तो उसको कुछ डिफरेंट ग्रुप्स जो कि पावरफुल होते हैं प्लांट्स के या फिर कुछ और ग्रुप्स वो उनको एक तरीके से आप बोल लो उनको अपनी कॉलोनी बना लेते हैं फिर है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन द स्पीशियस टाइप्स इन अ कम्युनिटी चेंज इन ऑर्डरली प्रोसेस द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ कम्युनिटी चेंजेस बाय बायोलॉजिकल एक्सचेंज ऑफ द बायोलॉजिकल फैक्टर So, all these are the characteristics you can read, and then we have causes. So, causes may be initial causes. It happens for the destruction of an existing habitat, like climatic factors, biotic factors, with a continuous cause. It is responsible for the change in population composition in that area. कोई भी एरिया में अगर पॉपुलेशन में कोई चेंज आया है तो उसकी वजह से ये होता है द फैक्टर इसबल फॉर पॉपुलेशन कंपोजिशन और माइग्रेशन फॉर सेफ्टी पॉपुलेशन कब कब इस चीज़ में चेंज होती है जब कोई माइग्रेशन हो माइग्रेशन ड्यू टू आर्गनाइजेशन माइग्रेशन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन माइग्रेशन फॉर बेटर लाइफ फिर देन वी हैव टाइप्स ऑफ सक्सेशन फर्स्ट वी हैव प्राइमरीस फ्राम द प्रेम सबस्टेशन वेयर देयर वॉज नॉट लिविंग फैक्टर बिफोर लाइक वॉलैनिकरप्शंस रॉकी एरिया सेकेंड सक्सेशन ऑटोजेनिक सो इसको आप रीड कर लेना यहाँ क्वेश्चन आगे हैं फर्स्ट सेकेंड चैप्टर आपका इतना ही था अब थर्ड चैप्टर है इकोसिस्टम फंक्शंस ऑफ़ इकोसिस्टम तो थर्ड चैप्टर में हम समझेंगे फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम तो जो टॉपिक्स चैप्टर टू में मैंने आपको बोला कि आप खुद रीड करना तो आपको वो लोग आपको वो रीड करने हैं क्योंकि तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं जल्दी मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी शेयर कर दूंगी मुझे याद है कि मुझे शेयर करना है सो so डैट आप देख सकोगे कि, कि आपके कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एंड ओ बी ई में थोड़ा सा पैटर्न अलग हो जाता है ओ बी एग्जाम में ओपन बुक एग्ज़ाम्स में तो अभी कुछ पता नहीं कि फर्स्ट सेमेस्टर आपको ओ बी ही होता है फिर क्या होता है बट लेट्स सी क्या होता है बट मैं आपको क्वेश्चन पेपर शेयर कर दूंगी सो so डेट आपको क्वेश्चन का आइडिया लग जाए और प्लीज़ आप मेरे चैनल को फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप मेरे लिए एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं सो so, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय